तो मेरे भाइयों देख सकते हो यहाँ पर मैं जॉम्बी फ्लावर के अंदर घुसा हुआ हूँ और ये ग्लिच आप भी कर सकते हो। आपको बस ये पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना है। सो गाइस देख सकते हैं काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर मैं आपको ये ग्लिच बताने वाला हूँ। जॉम्बी फ्लावर के अंदर आप घुस सकते हो और यहाँ पर से आप बैठे बैठे अंदर में रहते रहते यहाँ पर एनिमी की बैंड बजा सकते हो। काफी कमाल का ग्लिच है और काफी ईजी है, सबसे हो जाएगा ग्लिच, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और गाइस ये जो ग्लिच है वो इरेंगल, लिविक और मीरा मार सब में काम करता है। फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं आपको लिविक मैप में दिखा रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं प्लेन में मैं बैठा हूँ और यहीं से ये ग्लिच स्टार्ट होता है। आपको ध्यान से देखना है, एक सेकंड भी आप स्किप मत करना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो लैंडिंग स्टार्ट हो चुका है और जैसे ही आपका पैराशूट यहाँ पर ओपन होता है यहीं से ये ग्लिच स्टार्ट हो जाता है। तो पैराशूट जैसे ओपन होना आपको ये जॉम्बी फ्लावर के मिट्टी के पास यहाँ पर आपको लैंड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर इस मिट्टी के पास लैंड कर चुका हूँ। लैंड करते ही आपको एक दो सेकंड के अंदर ही आपको क्राउच होकर इस पत्थर के पास बैठ जाना है और स्प्रिंट लॉक करते ही आप इसके अंदर आ जाओगे। ध्यान रहे फटाक से आपको 5 सेकंड के अंदर में इसके अंदर आ जाना है ना। तो यहाँ पर मैं आपको स्लो मोशन में अच्छे से दिखा दे रहा हूँ जिनको समझ में नहीं आया है। यहाँ पर मेरा पैराशूट देख सकते हैं ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको एम करके मिट्टी के पास लैंड करना है, जो यहाँ पर जॉम्बी फ्लावर है ना उसके मिट्टी के पास लैंड करना है। और जैसे ही यहाँ पर सक्सेसफुली आप लैंड कर जाते हो फटाक से आपको क्राउच हो जाना है। एंड क्राउच होने के बाद किसी भी पत्थर पे आपको यहाँ पर नज़दीक में जो पत्थर है वहाँ पे आपको क्राउच होकर बैठ जाना है एंड स्प्रिंट को लॉक कर देना है कुछ इस प्रकार से। जैसे मैंने स्प्रिंट लॉक किया कुछ ही सेकंड में फटाक से यहाँ पर मैं अंदर आ चुका हूँ। सो आई होप आपको ये ग्लिच पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब ले चलते हैं यहाँ पर क्या क्या फ़ायदा है उसके तरफ। अब गाइस यहाँ पर फर्स्ट जो एडवांटेज है कि यहाँ पर आपको कोई भी एनिमी स्पॉट नहीं कर पाएगा और हैकर की तरह यहाँ पर आप बैठे बैठे रैंक पुश कर सकते हो और कोई भी बंदा अगल बगल में रहेगा उसको आप अंदर रहते हुए भी देख सकते हो और अपने टीममेट को इन्फॉर्म करके उसको मरवा सकते हो। साथ ही साथ कोई बंदा अगर इसके अगल बगल में, इस बॉक्स के अगल बगल में, तो यहाँ पर जॉम्बी को यहाँ पर बाहर निकाल के उस बंदे की तरफ यहाँ पर भगा सकते हो और उस बंदे को वो डैमेज दे देगा, है ना। तो ये सब आप यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आप बैठे बैठे यहाँ पर रैंक पुश तो करोगे ही, उसके साथ साथ इसके अंदर आपको कोई भी बंदा मार नहीं पाएगा। कोई भी नेट या फिर मॉली कुछ भी कर ले कोई भी आपको नहीं स्पॉट कर पाएगा और ना ही मार पाएगा। यहाँ पर एक बंदे को पता चल गया कि मैं इसके अंदर में था। यहाँ पर मैं लाइव मैच का दिखा रहा हूँ, 27 बंदे यहाँ पर जिंदा है देख सकते हैं। तो इस बंदे को पता चल गया कि मैं इसके अंदर में हूँ शायद, तो इसने यहाँ पर मेरे ऊपर मॉली एंड नेट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर थ्रो किए बट मेरा यहाँ पर वो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, देख सकते हैं मॉली फेंका। अब यहाँ पर एक नेट आएगा बगल में ही, देखो यहाँ पर फटा कुछ नहीं हुआ, 1% भी डैमेज यहाँ पर नहीं हुआ मुझे। तो यहाँ पर ये नो डैमेज वाली ग्लिच है। और यहाँ पर अगर लास्ट सर्कल अगर जॉम्बी के पास बन गया ना, जॉम्बी लैब के पास, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर चिकन डिनर भी हो सकता है भाई साहब। और उसके अलावा यहाँ पर अगर आपको एनिमी को बाहर निकालना है तो थोड़ा सा गन की नली को बाहर निकाल के मारना पड़ेगा। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि गन यहाँ पर अंदर मेरे पास आएगा कैसे। यहाँ पर मेरे पास जो गन आया है वो मैं रिकॉल जब हुआ था उस टाइम पर मैं ये ग्लिच किया, तो मेरे पास गन ऑलरेडी हाथ में था। और अगर आपको गन चाहिए होगा तो अपने टीममेट को नॉक करना पड़ेगा, टीममेट जैसे नॉक होगा उसको आप यहां पर उठाकर अंदर ला सकते हो। साथ ही साथ यहां पर आप एनिमी को ये फेंक के भी मार सकते हो, चाकू फेंक के भी मार सकते हो। देख सकते हो यहां पर लास्ट सर्कल इसके आसपास बना था, तो यहाँ पर 9 बंदे बचे हैं। 50 बंदे उतरे थे लिविक मैप में, यहाँ पर 9 बंदे, तब तक मैं इसके अंदर में हूँ तो मेरा प्लस तो हो ही गया होगा कुछ ना कुछ। सो गाइस आई होप आपको ये ग्लिच पसंद आया होगा। ग्लिच पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब गाइस यहाँ से बाहर निकलना भी काफ़ी आसान है, किसी भी डायरेक्शन में आप जाएंगे तो आप यहाँ से बाहर ईजिली निकल सकते हैं। अब गाइस ले चलते हैं एक और कमाल के ट्रिक की तरफ। अब गाइस यहाँ पर ये ट्रिक करने के लिए मिलिट्री बेस में आ जाना है। पीछे में आपको ये बिल्डिंग दिख जाएगा, इस बिल्डिंग के पास आने के बाद आपको म्यूटेशन ब्लेड यूज़ करना है। थोड़ा सा ऊपर करके आपको म्यूटेशन ब्लेड छोड़ना है, आप इजीली इस छत के ऊपर आ जाओगे। अब गाइस यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, ये काफ़ी सारे यहाँ पर आपको पिलर आपको दिख जाएंगे इस बिल्डिंग के ऊपर, तो इसके सामने आपको चले जाना है लाइन में और यहाँ पर आपको फिर से म्यूटेशन ब्लेड यूज़ करना है, आसमान की तरफ छोड़ देना है और उसके बाद आप इजीली इसके अंदर आ सकते हो। अब गाइस यहाँ पर आकर आप रैंक पुश कर सकते हो, कोई भी एनिमी आपको
यहाँ पर स्पॉट नहीं कर पाएगा, इमेजिन भी नहीं करेगा कि भाई साहब आप यहाँ पर आके छुपे हुए हो। और कई बार मिलिट्री बेस में भी लास्ट सर्कल बन जाता है, आपको भी पता है। तो यहाँ पर ये ट्रिक का यूज़ करके आप एनिमी को यहाँ पर सरप्राइज कर सकते हो। और यहाँ पर बाहर की तरफ गन भी यहाँ पर आप फायर कर सकते हो, बट कभी कभी नीचे की तरफ अगर आपका गन रहेगा तो यहाँ पर फायर नहीं होगा, बट ऊपर की तरफ है तो आप दूर के बंदों को आप इजीली मार सकते हो, स्नाइपिंग वगैरह कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पर जंप बटन दबाते ही आप बाहर की तरफ आ जाओगे। अब गाइस यहाँ पर ही एक और ट्रिक काम करता है। इस बिल्डिंग के बगल में आपको एक बड़ा सा टावर दिख जाएगा, आपको म्यूटेशन ब्लेड यूज़ करना है एकदम ऊपर की तरफ, और हवा में रहते ही एक और बार यहाँ पर आपको म्यूटेशन ब्लेड यूज़ कर लेना है। और बूम गाइस आप यहाँ पर इस टावर के एंटीना पर आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद पूरा का पूरा आप मिलिट्री बेस को कवर कर सकते हो, और कोई भी बंदा आपको यहाँ पर नज़र आता है तो उसको आप यहाँ पर बैठे बैठे मार सकते हो। देख सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पर सी बिल्डिंग भी यहाँ पर कवर हो जाता है, और नीचे की तरफ भी यहाँ पर कई बार बंदे आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ साथ कई बार यहाँ पर छुप जाते हैं बंदे, तो उनको भी मार सकते हो, और इसके ऊपर भी भाई साहब आप चढ़ सकते हो। अब गाइस इसलिए चलते एक और ट्रिक की तरफ। यहाँ पर आपको पोचिंकी में आ जाना है। पोचिंकी में चर्च आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आपको एक म्यूटेशन ब्लेड चाहिए, उसका पावर यूज़ करके आप इसके ऊपर ईजिली आ सकते हो। अब गाइस यहाँ पर आने का काफ़ी ज़्यादा फायदा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पोचिंकी में काफ़ी ज़्यादा बंदे उतरते हैं, हर तरफ आपको बंदे दिख जाएंगे, तो उनको आप यहाँ पर से सरप्राइज कर सकते हो। अगर आपके पास स्नाइपर वगैरह है तो आप पूरा का पूरा यहाँ पर से पोचिंकी कवर कर सकते हो, और जो भी बंदे आपको स्पॉट होते हैं खासकर स्क्वाड हाउस के तरफ, उनको भी आप यहाँ पर से मार सकते हो, सरप्राइज कर सकते हो। सो यहाँ पर आप इसके ऊपर भी क्लाइंब कर सकते हो ईजिली, बट यहाँ पर आने का कुछ फ़ायदा नहीं है, बट अपने सिचुएशन के हिसाब से आप इस ट्रिक को भी आप यूज़ कर सकते हो, और पोचिंकी पूरा का पूरा यहाँ से कवर हो जाएगा। साथ ही साथ एनिमी को स्पॉट करता है तो यहाँ पर म्यूटेशन गॉन्टलेट वाले पावर को यूज़ करके आप यहाँ से भाग भी सकते हो। अब गाइस यहाँ पर नेक्स्ट ट्रिक में आपको बताना चाहूँगा, ये एक ट्रिक नहीं एक वार्निंग है, आप समझ लें। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर हॉवरबोर्ड यूज़ करते हो तो कोई भी एनिमी आपको यहाँ पर गाड़ी से आपको उड़ा सकता है, तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर आप हॉवरबोर्ड यूज़ करते हैं और कोई एनिमी आपको दौड़ा रहा है तो वो आपको मार भी सकता है यहाँ पर इसके मदद से। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टिप्स ट्रिक्स एंड ग्लिच के वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।